आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बैटरी एंड सोलर बैटरी, मतलब कि नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी में क्या अंतर होता है। दोस्तों यह वीडियो उन सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अपने घर पे यूपीएस इन्वर्टर लगवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं, और साथ साथ यह इलेक्ट्रिकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जब भी हम कहीं पर भी बैटरी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम कहीं पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं और बाद में उस एनर्जी को वापस से यूज करना चाहते हैं, मतलब कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बैटरी नामक उपकरण के अंदर सेव है और जब हमको जरूरत होगी तब हम इस बैटरी से उस इलेक्ट्रिसिटी को उपयोग लेके हमारे किसी भी उपकरण को चला लेंगे। तो बैटरी का काम सिर्फ यही होता है, हमको इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप देना। अब दोस्तों बैटरी का काम सिर्फ एक ही होता है तो आखिर बैटरी को अलग अलग भागों में क्यों विभाजित कर दिया जाता है जैसे नॉर्मल और सोलर के अंदर? तो इसको इसलिए विभाजित किया जाता है क्योंकि दोस्तों हम जो है हमारी बैटरी से कई तरह से अलग अलग तरीके से उपकरण को चला सकते हैं। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि मेरे पास में एक 150 एच की बैटरी है और मैं चाहता हूँ 150 एच की बैटरी पे मैं मेरे एसी को चलाऊं, तो मतलब मैं मेरे बैटरी पे हाई लोड को जोड़ रहा हूँ। तो हम बैटरी का उपयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कई सारे फैक्टर को जोड़कर बैटरी को अलग अलग टाइप में विभाजित कर दिया जाता है। इसमें से एक मुख्य हो जाता है जो कि है नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी। और दोस्तों इन दोनों बैटरी की जरूरत के ऊपर बात करें कि इन बैटरी को कहां पे लगाया जाता है, तो नॉर्मल बैटरी के नाम से हमें पता चल जाता है कि अगर हम हमारे घर पे नॉर्मल इन्वर्टर या यूपीएस लगा रहे हैं तो उस समय हम क्या करेंगे, नॉर्मल बैटरी का उपयोग लेंगे। लेकिन अगर हम हमारे घर पे सोलर सिस्टम को लगवा रहे हैं तो हम उस समय क्या करेंगे, सोलर बैटरी का उपयोग लेंगे। तो दोस्तों यह तो कुछ बेसिक सी चीजें थी बैटरी के बारे में, लेकिन अब हम मेन डिफरेंस जान लेते हैं कि आखिर नॉर्मल बैटरी सोलर बैटरी से कितनी अलग है और हम हमारे सोलर सिस्टम के साथ में सोलर बैटरी का ही उपयोग क्यों करें। तो नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी में कई सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन हम आज की इस वीडियो के अंदर मुख्य 3 से 4 डिफरेंस को जानेंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस है नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी में वो है इसकी लाइफ के ऊपर। हमारी जो नॉर्मल बैटरी होती है अगर हम इसकी एवरेज लाइफ की बात करें तो इसकी एवरेज लाइफ 4 से 6 साल के बीच की ही होती है, लेकिन सोलर बैटरी की लाइफ की बात करें तो ये 7 से 8 साल की एवरेज लाइफ टाइम देती है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो सोलर बैटरी हमारे 9 से 10 साल का भी मैक्सिमम बैकअप दे देती है। साथ साथ सोलर बैटरी में एक और मुख्य पॉइंट यह भी आता है कि जब हम सोलर बैटरी को लेने जाते हैं तो हमको जो यहाँ पे वारंटी पीरियड मिलता है वो वारंटी गारंटी पीरियड भी हमको ज्यादा मिल जाता है। नॉर्मल बैटरी के अंदर हमको मैक्सिमम 3 साल तक ही वारंटी गारंटी मिलती है, जबकि सोलर बैटरी के अंदर आपको 5 साल तक की वारंटी देखने को मिलेगी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमारी जो नॉर्मल बैटरी होती है वो होती है C20 रेटिंग की, जबकि हमारी जो सोलर बैटरी होती है वो होती है C10 रेटिंग की। अब ये C20 या C10 क्या है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस पॉइंट को अच्छे से समझा लेता हूं क्योंकि इन दोनों बैटरी के अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो इस सी रेटिंग के ऊपर ही होता है। अब दोस्तों आखिर ये दोनों रेटिंग क्या है इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल मान रहे हैं कि हम हमारे घर पे एक 150 एच की C20 बैटरी को लेके आए जो कि नॉर्मल बैटरी है, जबकि हम एक और साइड हमारे घर पे सेम 150 एच की ही बैटरी लेके आए लेकिन जो सेकंड बैटरी है वो हमारी C10 बैटरी है जो कि एक सोलर बैटरी है। अब दोस्तों हम हमारे घर पे ये दोनों बैटरी को तो ले आए, पर अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, मतलब हम हमारी इस बैटरी पर कितने उपकरण को जोड़ सकते हैं और इसको कितनी स्पीड से चार्ज कर सकते हैं, और सेम हमारी दूसरी बैटरी है इस दूसरी बैटरी पे हम हमारे कितने उपकरण को जोड़ सकते हैं और साथ साथ इस बैटरी को कितनी स्पीड से चार्ज कर सकते हैं, वह सब पॉइंट हमें ये C20 और C10 ही बताते हैं। दोस्तों यह जो सी करके वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20 ये हमको क्या बताती है, तो इस सी का मतलब होता है हमारे कैपेसिटी और जो 20 या फिर 10 है इसका नंबर का मतलब होता है हमारे हावर्स मतलब घंटे। दोस्तों अभी हम इस पॉइंट को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करते हैं, आपको क्या करना है जो भी आपके पास बैटरी आई है जैसे इस केस में आई है 150 एच की बैटरी है, इस 150 एच की बैटरी के अंदर आपको देखना है इसकी सी वैल्यू कितनी है, तो इसकी सी वैल्यू है 20, तो मैं क्या करूंगा इस बैटरी के एच में इस 20 का भाग कर दूंगा। और सेम चीज मेरे को दूसरी साइड भी करनी है, दूसरी साइड हमारी बैटरी 150 एच की है तो यहाँ पे भी 150 एच लिखूंगा और सी के साथ में क्या है 10, तो यहाँ पे मैं 10 लिखूंगा। और साथ साथ अभी मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि ये जो सी लिखा हुआ है यहाँ पे ये सी हमको बताता है कैपेसिटी बैटरी की, और जो एन ये जो नंबर लिखे हुए ये नंबर है हमारे हावर्स के अंदर, तो यहाँ पे 20 के साथ में एच आ जाएगा और यहाँ पे 10 है 10 के साथ में भी एच आ जाएगा क्योंकि ये जो नंबर है ये नंबर हमको घंटे बताते हैं। अब दोस्तों ऐसा करने के बाद में हमें इसको भाग करके इसकी वैल्यू को निकाल लेना है। अब दोस्तों जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे 7.5 एम्पियर, और दूसरी साइड देखते हैं तो 10 से 10 कटा और दूसरी साइड एच से एच कटा, तो यहाँ पे हमारा बच गया 15 और ए, तो मतलब ये हो गया हमारा 15 एम्पियर। दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद में अब हमारे पास में दोनों साइड एक एक वैल्यू आ चुकी है, एक आई है 7.5 एम्पियर और दूसरी साइड आई है 15 एम्पियर। तो अब आखिर इन दोनों वैल्यू से हमें क्या पता चलता है, तो दोस्तों ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें यह बताती है कि हमारी जो बैटरी है इस बैटरी पर मैं कितने उपकरण को एक बार में जोड़ सकता हूं, कितने उपकरण को एक बार में चला सकता हूं, और साथ साथ इस बैटरी को मैं एक साथ में कितनी स्पीड से चार्ज कर सकता हूं। और सेम चीज ये जो दूसरा 15 एम्पियर बता रहा है ये भी हमको यही बता रहा है कि हमारी जो बैटरी है जो है 150 एएच की और
और जबकि है यहाँ पे C10 की, और जो ये थी ये C20 की थी, जबकि एम्पियर हावर्स था बिल्कुल सेम। तो ये जो C10 वाली बैटरी है, इस C10 वाली बैटरी पे मैं एक बार में कितने उपकरण जोड़ सकता हूँ, वो जोड़ सकता हूँ 15 एम्पियर तक के, और साथ साथ मैं इस बैटरी को कितनी स्पीड से चार्ज कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ 15 एम्पियर की स्पीड से चार्ज। तो दोस्तों अभी तक हमने जो सॉल्यूशन करा, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि हमारी जो 150Ah C10 की बैटरी है, इस बैटरी के साथ में मैं ज़्यादा लोड को एक बार में जोड़ सकता हूँ। मैं कितने लोड को जोड़ सकता हूँ, 15 एम्पियर तक के लोड को जोड़ सकता हूँ, और मैं साथ साथ इस बैटरी को जल्दी स्पीड से भी चार्ज कर सकता हूँ, 15 एम्पियर की स्पीड से भी चार्ज कर सकता हूँ। जबकि मेरी जो 150Ah की C20 की बैटरी है, इस बैटरी को मैं एक बार में इस पर कम उपकरण ही जोड़ सकता हूँ। कितने उपकरण जोड़ सकता हूँ, तो ओनली फॉर 7.5 एम्पियर तक के ही उपकरण जोड़ सकता हूँ। दूसरी साइड में यहाँ पे 15 एम्पीयर तक का है, मतलब जस्ट दुगने लोड को जोड़ सकता हूँ। और इसको मैं किस स्पीड से चार्ज कर सकता हूँ, तो मैं इसको जल्दी जल्दी चार्ज नहीं कर सकता, मैं इसको सिर्फ 7.5 एम्पीयर तक ही चार्ज कर सकता हूँ, जबकि दूसरी साइड यहाँ पे मैं इसको 15 एम्पीयर तक का चार्ज कर सकता हूँ। तो दोस्तों इन सभी चीजों से हमें यह पता चलता है कि हमारी जो C10 की बैटरी होती है वो C20 की बैटरी से ज्यादा पावरफुल होती है। इस बैटरी के साथ में मैं ज्यादा उपकरण को एक बार में जोड़ सकता हूँ, और साथ साथ मैं इस बैटरी को जल्दी जल्दी चार्ज भी कर सकता हूँ। और दोस्तों साथ साथ एक और पॉइंट को जान लीजिए कि अब कभी भी आपको यह जानना है कि मेरी ये बैटरी है, इस बैटरी में मैं कितने एम्पियर एक बार में जोड़ सकता हूँ, या फिर इसको किस स्पीड से चार्ज कर सकता हूँ, तो काफी सिंपल है। हमारी बैटरी के जो एच है उस एच को लिख लेना है, और उस एच के अंदर आपको डिवाइड कर देना है हमारी सी वैल्यू को। अगर हमारी बैटरी 200Ah की है, तो यहाँ पे 200Ah लिखूंगा और इसके अंदर डिवाइड कर दूंगा। अगर C10 है, तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा 10S से, तो S से एच कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20 एम्पियर। तो इस तरीके से हमें पता चलता है हमारी बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्पीड कितनी रख सकते हैं। दोस्तों कई लोगों के मन में यह भी कंफ्यूजन आएगा कि हमने यह सब तो सीख लिया, पर आखिरकार इसकी जरूरत क्या पड़ रही है, हम सोलर बैटरी के अंदर जरूरी है क्या हमको इतने एम्पियर से इसको चार्ज डिस्चार्ज करना? तो दोस्तों बिल्कुल जरूरी है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हम सभी को पता है हमारे घर पे जो ऊपर सोलर पैनल, जो छत पे सोलर पैनल लगाए जाते हैं, वह सोलर पैनल हमको मुश्किल से 6 से 8 घंटे तक की इलेक्ट्रिसिटी दे पाते हैं। तो इस समय हमको क्या जरूरत होती है, इस समय हमको एक ऐसी बैटरी की जरूरत होती है जो हमारे ज्यादा एम्पियर से जल्दी जल्दी चार्ज हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम हमारे घर पे सोलर सिस्टम लगाते हैं, तो उस समय हम हमारे सोलर बैटरी को ही लगाते हैं। ये इस वजह से लगा रहे हैं ताकि हम हमारी बैटरी को जल्दी से चार्ज कर सकें और जल्दी से ही इसको डिस्चार्ज कर सकें। और जबकि अगर मैं मेरी इस नॉर्मल बैटरी जो कि C20 बैटरी है, इसको अगर मैं यहाँ पे 15 एम्पीयर से इसको चार्ज करूंगा, तो मेरी जो बैटरी, ये बैटरी पूरी तरीके से खराब हो सकती है और इसकी जो लाइफ है वो लाइफ भी पूरी तरीके से गिर सकती है। तो दोस्तों यही मेन डिफरेंस है सोलर बैटरी और नॉर्मल बैटरी के बीच में। अब हम एक लाइन के अंदर यह समझ लेते हैं कि हमको घर पे नॉर्मल बैटरी लगानी है या फिर हमको घर पे सोलर बैटरी लगानी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब काफी आसान सा है। अगर आप आपके घर पे 3 से 5 साल के पहले ही अपने घर पे एक सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं, तब तो आप आपके घर पे सोलर बैटरी ही लगवाइए, क्योंकि आप आगे जाके सोलर पैनल लगवा रहे हैं, तो उस समय आपको एक ऐसी बैटरी की आवश्यकता होगी जो हमारे ज्यादा एम्पीयर से चार्ज हो सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में अभी ऐसा कोई भी विचार नहीं कि मैं 3 से 5 साल के बीच में कोई भी अपने घर पे सोलर पैनल नहीं लगवाऊंगा, तो आप उस समय आपके घर पे नॉर्मल बैटरी ही लगवाइए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो बैटरी होती है, उन बैटरी की लाइफ भी इतनी ज्यादा नहीं होती है, वो अच्छी परफॉर्मेंस हमारे मुश्किल से 4 से 5 साल तक ही देती है। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक और मुख्य पॉइंट बता दूं कि कभी भी आप एक सोलर बैटरी या किसी भी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तो उस समय एक और पॉइंट बीच में बहुत जरूरी आता है, वो होता है हमारा इन्वर्टर। कि आखिर हमारा जो इन्वर्टर है, वो इन्वर्टर किस स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी को दे रहा है चार्ज करने के लिए, क्योंकि हम जो बीच में इन्वर्टर लगाते हैं, वो इन्वर्टर ही हमारी बैटरी को चार्ज करता है। तो आखिर हमारा जो इन्वर्टर है, वो इन्वर्टर अगर हमको 15 एम्पीयर दे ही नहीं रहा, अगर हमारा इन्वर्टर हमको 15 एम्पीयर दे ही नहीं रहा, तो हम सोलर बैटरी क्यों लगाएंगे, उस समय तो हमको नुकसान है। तो इस समय आपको यह भी देखना है कि हम जो बैटरी ला रहे हैं, उस बैटरी का हमारे चार्जिंग डिस्चार्जिंग एम्पीयर कितना है, उसी हिसाब से हमारे पास इन्वर्टर है या नहीं, तो हमको इन्वर्टर भी उसी आधार पर सेलेक्ट करना चाहिए। और दोस्तों आखिरी के अंदर हम इन दोनों बैटरी की प्राइस की बात करें, तो हमारी जो नॉर्मल बैटरी होती है, इसकी प्राइस हमारे सोलर बैटरी से कम होती है। अगर हम एवरेज प्राइस की बात करें, तो नॉर्मल बैटरी की प्राइस अगर हमारी 10,000 रुपए एक 150Ah की बैटरी की, जो कि हमारी C20 है, तो इसी समय हम जो सोलर बैटरी लाएंगे जो 150Ah C10 की होगी, इसकी प्राइस तकरीबन 14 से 15 हजार के बीच में होगी। तो हमारी जो सोलर बैटरी होती है वो ज्यादा पावरफुल और लॉन्ग लाइफ चलने के कारण इसकी रेट भी ज्यादा होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपके नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी से जुड़े कई सवाल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप ऑनलाइन एक नई बैटरी लेने की सोच रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अच्छी बैटरी के लिंक देने की, आप उस लिंक के थ्रू बैटरी को जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी कहीं ना कहीं कुछ हेल्प हुई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़े, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप इन्हें देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।